हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से, जैसे ये ब्लैंक डेटाबेस है तो यहां पर हम जाते हैं और किस तरीके से एसक्यूएल व्यू में हम डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरा एक कैलेंडर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये टेबल वन के ही नाम से इसे सेव करता हूं, इसको एक्चुअली बंद कर देता हूं क्योंकि हम काम करेंगे किस पे, हम काम करेंगे एसक्यूएल व्यू में। तो यहां से डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहां से इसे क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद यहां पे एसक्यूएल व्यू नजर आएगा। तो यहां पे सेलेक्ट नजर आ रहा है, तो सेलेक्ट तो हमें करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, यहां पे क्रिएट करना है। तो यहां पे लिखता हूं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देंगे, जैसे मान लीजिए हम टेबल बना रहे हैं होम के नाम से, तो ये होम नाम से टेबल है। और यहां पे एक फील्ड डालेंगे हम, नेम अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगा के लिखना है, गैप एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये नेम ऑफ कस्टमर हो गया और यहाँ पे बाइंग डेट आएगा और उससे भी पहले यहाँ पे कस्टमर के नेम में हम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप रखेंगे वेयर केयर, इसकी साइज हम 20 रख देते हैं, कॉमा लगाते हैं। इसके बाद बाइंग डेट की बात करते हैं, बी यू वाई आई एन जी, बाइंग अंडरस्कोर डेट। तो यहाँ पर आपको ये सुविधा मिल जाती है कि यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो डी यू वी, देखिए किस तरीके से लिखते हैं, डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेट लिख दिया हमने और जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ देखिए टेबल बन चुकी है, ये हमारी क्वेरी वाली टेबल है यहाँ पे होम नाम से जो बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बाइंग डेट भी आ रहा है निकल करके, देखिए यहाँ पे बाइंग डेट है, ये नेम ऑफ कस्टमर है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए कस्टमर का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ आर ए एच यू एल राहुल सिंह, ये कस्टमर का नाम है। और यहां से देखिए ये कैलेंडर आपको मिल जाता है इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कैलेंडर है, कैलेंडर की मदद से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्या इस तरह की कोई चीज MySQL में भी मिलती है क्या, ये देखने वाली बात है। तो चलिए आइए MySQL ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या इस तरह की कोई चीज MySQL में भी मिल जाती है या नहीं। तो यहां पर आए और यहां पर सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड एंटर करूंगा, जो भी हमारा पासवर्ड है इसका MySQL का, और वो एंटर करके यहां पर आ गए। उसके बाद से एक कमांड हम देंगे यहाँ पे शो डाटाबेसेस, तो शो डाटाबेसेस करेंगे तो जितने भी डाटाबेसेस हैं MySQL में बने हुए वो सारे ही डाटाबेसेस यहाँ पे हमें नजर आने लगेंगे। टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन देते हैं, अब यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है। हम स्टूडेंट डी को यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टूडेंट डी, देखिए इसमें एक डेटाबेस हमारा स्टूडेंट डी नाम का भी है तो इसी को हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, तो शो टेबल्स लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं। अब हम स्टूडेंट टी को यूज करेंगे, देखते हैं स्टूडेंट टी के अंदर कुछ है या नहीं। तो यहां से क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रेक सिंबल लगाएंगे फ्रॉम, अब देखिए क्या नाम है स्टूडेंट टी, तो यहां लिख देते हैं स्टूडेंट और टी, और यहां से टर्मिनेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें ये फील्ड्स डाले गए हैं और इसमें ये रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कराए गए हैं। यहाँ पर डीओबी नाम का कोई फील्ड नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, ये लिखा अल्टर और टेबल का नाम देंगे अल्टर टेबल, और फिर टेबल का नाम देंगे तो टेबल का जो भी नाम है वो हमें देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट टी है टेबल का नाम, ठीक है, तो स्टूडेंट टी दे देते हैं स्टूडेंट टी, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पे एड करवाएंगे, तो कौन सा फील्ड एड करना है हमें, हमें एड करना है डीओबी, तो ये लिखा डीओबी। अब क्या यहाँ पे डेट नाम का कोई ये इस तरह का एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, यही हमें चेक करना है। तो यहां पर इसे टर्मिनेट कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखिए यहां पर भी आपको डेट नाम का ये मिल जाता है और यहां पे ये क्वेरी एक्सिक्यूट हो गई है, ठीक है। अब आप इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है, अब इसको देखना होगा तो क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए सेलेक्ट एस्ट्रेक्ट फ्रॉम, अब देखिए यहां से, अब यहां पे टेबल का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट टी, तो यहां पर स्टूडेंट टी दे दीजिए, ये हो गया काम। और यहां पे देखेंगे तो यहां पे डीओबी भी आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हम इसमें डेल का भी यूज करते हैं और जो है अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, जैसे डिलीट करना है तो हम डेल का यूज करके भी डिलीट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देख सकते हैं यहां पे डीओबी इंसर्ट हो गया, तो डेट लिखने से ही केवल डीओबी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख लेना है और एक डेट इसमें आ गया। चलिए एक बार चेक करते हैं कि ये डेट आया है या नहीं आया है, तो सेलेक्ट लिखेंगे एस ई एल ई सी टी और यहाँ पे एस्ट्रेक लगाएंगे फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करना है ये भी हमें देखना होगा, तो फ्रॉम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, टेबल का नाम है स्टूडेंट टी, तो यहाँ पे स्टूडेंट टी दे देते हैं और यहाँ से टर्मिनेट करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब देखेंगे कि लास्ट वाले में सिर्फ डेट फिल हुआ है, ऊपर वाले में कहीं भी डेट फिल नहीं हुआ है। यहाँ पर ये सही तरीका है, इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर सेट करेंगे कि डीओबी हमें क्या रखना है, ठीक है। जैसे पहले वाले में जिनका नाम राम है उन्हें वहां पर हमें डीओबी रखना है 2000 ईयर रहेगा, पांचवा महीना रहेगा और तीसरा ईयर डेट 3 रहेगा और एज उनकी 19 है, ठीक है। तो ये करके फिर आपको एंटर करना होगा और बताना होगा कि उनका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने राम बता दिया है। अब एक बार सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि राम में ये इंसर्ट हुआ या नहीं। तो सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम और टेबल का नाम देना है तो स्टूडेंट टी दे देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
अब यहां पे देखिए राम का डेट ऑफ बर्थ यहां इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया लेकिन राम का यहां पे इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से किसी अन्य का भी डेट ऑफ बर्थ आपको इंसर्ट कराना हो, किसी अन्य का भी डेट ऑफ बर्थ आपको इंसर्ट कराना हो तो आपको यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए अब दूसरे का कराना है तो यहां लिखेंगे अपडेट, ठीक है, अपडेट लिख दिया। फिर कहां अपडेट करना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टी में अपडेट करना है, ठीक है। बाद में कैसे अपडेट करते हैं ये बड़ा अच्छा तरीका है, मैं दिखा रहा हूं, देखिए। फिर यहां सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, डीओबी, तो डीओबी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है इज इक्वल टू, अब डीओबी हमको खाली मेंशन भर करना है, यहां पे 1/4/2003 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, पहले ईयर लिखना है, तो 2003 ईयर हो गया, यहां मंथ हो गया 4 और यहां तारीख हो गया 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपको सेमीकोलन नहीं देना है, आपको क्या करना है, सीधा एंटर प्रेस करना है, क्योंकि हमको ये बताना पड़ेगा कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो वेयर नेम ऑफ स्टूडेंट यहां देंगे, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो लिखा हुआ है फील्ड का नाम वही दीजिएगा, इधर उधर करिएगा तो गलत हो जाएगा। अब इस बार हम श्याम की बात कर रहे हैं, तो SHYAM श्याम लिख दिया, इसको बंद करेंगे और टर्मिनेशन देंगे इस तरीके से। तो यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए लिखा हुआ आ गया क्वेरी, ओके, वन रो अफेक्टेड, तो इसका मतलब कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। और अब हम देखेंगे सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है उसका यूज करके सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टी करेंगे, स्टूडेंट टी ये किया और यहां से टर्मिनेशन देकर के और एंटर कर देंगे। तो यहां देखिए सेकेंड वाले में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सेकेंड वाले में इंसर्ट हो गया, इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन से करते चले जाएंगे। मैं एक बार और लास्ट टाइम दिखा देता हूं और फिर आप खुद से करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, नीचे आते हैं, सीधा हम अपडेट ही लिखते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट टी करना है और यहां एंटर करना है और फिर यहां क्या करना है, सेट करना है, तो सेट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, सेट डीओबी सेट करना है और डीओबी लिखा हमने, डीओबी इज इक्वल टू, अब यहां पे डीओबी देना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो ये कर दिया 2001, इस बार 2001, ठीक है, डैश मंथ कौन सा है इस स्टूडेंट के डीओबी का, तो यहाँ 2 5 मंथ है और 2 जो है डेट है, ठीक है। अब ये करके आपको सेमीकोलन नहीं देना, एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे बता दीजिए उस स्टूडेंट का आखिरकार नाम क्या है, WHERE वेयर लिखना है, ठीक है, वेयर नेम ऑफ स्टूडेंट करिए, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अब क्या है स्टूडेंट का नाम, तो राकेश नाम है तो यहाँ पे राकेश दे दीजिए और इसको बंद कर दीजिए और यहाँ से टर्मिनेशन देना मत भूलिएगा, एंटर करिएगा, ये हो गया। अब इसको फिर चेक करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट का यूज करके, तो ये सेलेक्ट लिखा हमने, एस्ट्रिक सिंबल लगाया, फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है ये भी देखना होगा, तो सेलेक्ट करना है हमको स्टूडेंट टी से, तो यहाँ पे स्टूडेंट टी कर दीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तीनों में डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट होता चल रहा है, तो बाद में भी आप डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करा सकते हैं या कोई भी फील्ड अगर बाद में ऐड करते हो तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे अपडेट करना है, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम एक बार और करते हैं, ठीक है, सेम वही चीज करना है हमको, जैसे ऊपर किया है सेम वही चीज हमको करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले अपडेट जो स्टेटमेंट है हमारा, और किसे है, तो स्टूडेंट टी हमारी टेबल का नाम है, तो ये हो गया स्टूडेंट टी, यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर जाते हैं पहले अपडेट UPDATE स्टूडेंट टी, ये स्टूडेंट टी कर दिया, एंटर करेंगे, इतना करके आपको एंटर ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर सेट करना है डीओबी, ठीक है, क्या सेट करना है, डीओबी ही फील्ड का नाम है ना, यहां पे देखिए ये डीओबी ही फील्ड का नाम है हमारे, तो ये डीओबी लिख दिया और डीओबी लिखने के बाद क्या करेंगे, वही चीज की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। तो डीओबी यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, अब डेट ऑफ बर्थ करना है हमको, तो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ 1999, अब किसी का 99 रहा होगा ईयर, ठीक है, 5 और यहाँ पे क्या करेंगे 2 तारीख है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर आएंगे वेयर, अब बताना पड़ेगा हमें कि उनका नाम क्या है जिनका डेट ऑफ बर्थ ये जो भी है 1999 जो मंथ है और 2 डेट है ये किनका है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ज्योति, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ज्योति का फील्ड नेम है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है, STUDENTS, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स करने के बाद क्या करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी हो जैसे ज्योति है तो यहाँ पे ज्योति लिख देते हैं, JYOTI ज्योति हो गया, और यहाँ पर इसको बंद करके और टर्मिनेशन देना है, क्या करना है टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन मत भूलिएगा देना नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर टर्मिनेशन देके जैसे ही एंटर करते हैं तो एक और इफेक्ट हो गया, एक बार इसको भी चेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ही है तो स्टूडेंट ही कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको काफी मजा आएगा इस चीज को करके, और जब भी आपको क्वेरी आती है लिखने को तो आसानी से लिख देंगे, ठीक है ना।